नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे शो पर जिसका नाम है बॉलीवुड का पंचनामा। हाय, पांच खबरों का पंचनामा करेंगे देवियों और सज्जनों। जी हां, हमारे पास पांच खबरों के ऑप्शन हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इनकी थोड़ी सी वाट लगाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं यह खेला। खबर नंबर एक, बॉलीवुड का एक ही ऐसा एक्टर है जो गर्दन टेढ़ी करता है तो पहचान में आ जाता है कि ये कौन है। मेरा कैमरा वाला भाई भी पहचान गया, अजय देवगन के बारे में बात कर रहा हूँ। जनाब अजय देवगन साहब, जो अपने स्टंट के लिए, फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, अब इनका बेटा, जी हाँ, इनके बेटे साहबजादे का नाम है युग, अभी इतनी सी उम्र में ही स्टंट करने लगे हैं। अजय देवगन साहब ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनका बेटा युग स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। इतना नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा सिर्फ स्टंट नहीं कर रहा है भाई साहब, जिम में पसीना भी बह रहा है। वीडियो आप खुद देख लो। आजा बेटा। देखो, ये वीडियो देख के मुझे भी खुशी हुई कि चलो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, कसरत कर रहा है, अजय देवगन की राह पे चल रहा है, ये भी एक्शन के मामले में जाना जाएगा, ऐसा हो सकता है। बस मुझे डर इस बात का है कि अजय देवगन की तरह पान मसाले वाला और इलायची वाला ऐड ना करे। दांत डाले बिठाम है, खबर नंबर दो। एक मोहतरमा है एकता कपूर नाम की, इन्होंने वास्तव में भारत में पुण्य का काम किया है। मतलब इंडिया की औरतों को बिजी रखने का, घर में थोड़ा सा आराम से उन्हें टीवी देखने का, ये सारे मौके जो हैं एकता कपूर ने दिए हैं, तो इनको धन्यवाद है। लेकिन इनको आजकल धन्यवाद नहीं, ट्विटर पे कुछ गालियां भी मिल रही है, उल्टे सीधे सवाल जवाब का सामना करना पड़ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हाल ही में इनका जो टीवी सीरियल है ये है मोहब्बतें, उसे घेरा गया है, टीआरपी में टॉप पर रहता है। आप कहेंगे इसे घेरा क्यों गया है, दरअसल शो के कहानी में कुछ बदलाव किए गए, इस बदलाव में कई चीज़ें थी। तो किसी फैन ने कह दिया कि भाई जब आप किसी औरत को ऐसे बांझ दिखाते हो जो माँ नहीं बन सकती, देखने वाले पे क्या असर पड़ेगा, ये वो तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन एकता कपूर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ क्यों कहते हैं, ट्विटर पे कोई मुंह तोड़ कैसे सकता है, वेल जो भी है, कहते हैं ऐसा कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया। और एकता कपूर ने कह दिया कि भैया ऐसा है, शो देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे फैंस का प्यार है इसलिए शो चल रहा है, और हम टीआरपी पे बेस्ड काम करते हैं, हमारा क्रिएटिव शो है इसीलिए आपको देखना है तो देखो वरना मत देखो। वो बात अलग है कि हम लड़के, हम मर्द प्रजाति जो है, हमेशा एकता कपूर के सीरियल्स का मजाक उड़ाते रहते हैं। हाल ही में हमने अपने टाइप का भी एक सीरियल देखा था, गंदी बात करके आए थे, इनका सीरियल वेब सीरीज है, मुझे लगा था कुछ मजा आएगा, लेकिन खबर नंबर अगली आ जाओ भाई। कभी कभी सच में मेरा भी मन करता है साउथ इंडियन फिल्में देखने के बाद कि पैर घुमाऊं और बवंडर इकट्ठा हो जाए, ऐसा कुछ करूं, मतलब कुछ धमाकेदार हो जाए, टीवी देख के एक्शन सीख लूं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ साउथ इंडियन फिल्मों में होता है जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सबसे मतलब नहीं है। कुल मिला के बात यह कि मजा आना चाहिए और हमें मजा आता है, इसीलिए रजनीकांत साहब एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है काला। पर अब दिक्कत यह है कि कहीं इनकी इस काला फिल्म पर काला ग्रहण ना लग जाए, क्योंकि जिस दिन रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने वाली है काला, उसी दिन आ रही है हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम। भाई साहब बहुत बड़ी फिल्म है जुरासिक वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता है कि जो फैंस हैं वो पहले प्रायोरिटी काला को दे सकते हैं, पर देखा जाए तो दोनों में कड़ी टक्कर है। ये दोनों फिल्में 7 जून को रिलीज होने वाली है। वैसे जुरासिक वर्ल्ड वालों के लिए अच्छी खबर है, ये पहले एक दिन बाद रिलीज होने वाली थी, पर मुझे लगता है कि कुछ तो टक्कर वाला मामला था। अब देखा जाए तो जुरासिक वर्ल्ड जो है वो भी आने वाली है हिंदी, तमिल, तेलुगु कई भाषाओं में, अब काला भी आएगी ऐसे कई भाषाओं में। लेकिन बबो दिक्कत ही हो गवा है कि अब रजनीकांत साहब को टक्कर देंगे जुरासिक वर्ल्ड वाले। वो बात अलग है कि अब जो रजनीकांत पे जोक्स बनते हैं वो उन्हें शायद बचा नहीं पाएंगे, पर देखा जाए तो सच्ची बता रहा हूँ, बहुत दिल की बात बता रहा हूँ, अब गालियाँ तुम आने दो क्योंकि तुम अक्सर देते हो गालियाँ रजनीकांत की। जब से मैंने कबाली फिल्म देखी थी उसके बाद से मेरा विश्वास उठ गया था कि रजनीकांत की कोई फिल्म देखनी है मुझे। खबर नंबर 4, मेरे ना बापू जी मेरे से अक्सर कहा करते थे कि बेटा हवा में थोड़ा ना कम उड़िया कर, किसी दिन गिरेगा ना थवा करके सिर पे फूट लग जाएगी, तो तब देख ले तो बचा ना पाओगे कोई। मैं को कहा होगा बाबू जी को मतलब समझाओ, तो पापा ने मुझे समझाया कि देख बेटा, जब आपको कोई झूठ मूठ की बातें चढ़ा देता है, आप एक दिन में अचानक चढ़ जाते हो और उसके बाद कुछ नहीं होता ना, तो आप जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन में रहते हो। अब हाल ही में कुछ सीन मुझे ऐसा दिख रहा है, एक नाम लूंगा मैं, प्रिया प्रकाश वरियर, सबको याद है आंख मार मार के, तो आपने पता नहीं उससे क्या क्या सीख लिया है।
आंख मारने की बात की है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ तुम लोग गंदे लोग कहीं के हट। वैसे प्रिया प्रकाश शौर्य जिन्होंने आंख मार के रातों रात इंटरनेट स्टार बनने का एक रिकॉर्ड बना दिया था, इन दिनों बेचारी बेरोजगार हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह फोटो डाली है। जी हाँ, इनके वो फिल्म वाले फ्रेंड ही हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने लिखा है, जब आप बेरोजगार होते हो और आपका कोई फ्रेंड आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आता है। अब इनके इस कैप्शन पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो इन्होंने लिखा है कि जब आप बेरोजगार होते हो, जब ये इंटरनेट सेंसेशन बनी थी तो दुनिया भर की फिल्में आई थी इनके पास। ऐसा कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह की सिम्बा मिलेगी, उनकी ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन प्रिया प्रकाश वरियर रातों रात जो स्टार बनी है, अब बेचारी घर पर बैठी हैं, बेरोजगार है, और ये बात वो खुद कह रही हैं। आप चाहे तो हम इस इमेज को बड़ा करके दिखा सकते हैं, बाद में हमको ना बोलियो कि यार तेरे को कुछ पता रहता नहीं, बकवास मारता। खबर नंबर 5, ऐसा लगता है धर्मेंद्र किसी का एहसान नहीं रखते, इसलिए सलमान का एहसान चुकाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो सलमान वाला हो गया, सॉरी। एक्चुअली सलमान की फिल्म आने वाली है भारत। अच्छा, उससे पहले रेस 3 आने वाली है, उसके बारे में बात ही क्या करना, जबरदस्ती फिर ट्रोल करने वाली बात आ जाएगी। रेस 3 से आगे बढ़ते हैं, भारत को ट्रोल करना शुरू करते हैं। नहीं, ट्रोल नहीं कर रहा, अच्छी खबर बता रहा हूँ। दरअसल उनकी फिल्म आने वाली है अली अब्बास जफर के साथ भारत। बहुत अच्छी कहानी फिलहाल तक बताई जा रही है, जैसे अब तक रेस 3 को अच्छी कहानी बताया जा रहा था। वेल, भारत में अब धर्मेंद्र साहब मदद करने वाले हैं सलमान की। जी हाँ, वही धर्मेंद्र जिनके बेटे बॉबी देओल की मदद सलमान ने रेस 3 में की है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि धर्मेंद्र भारत की फिल्म में नजर आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल हो यूं रहा है कि भारत में एक सीन है जो सर्कस वाला सीन है, फिल्म मेरा नाम जोकर से उस सीन को इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। तो उस सीन में धर्मेंद्र भी थे। जी हाँ, राज कपूर वाली फिल्म में धर्मेंद्र भी थे। अब इसीलिए क्रिएटिव एडवाइस देने वाले हैं धर्मेंद्र, और इस सलमान की भारत फिल्म को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आए के लोग हाथ एहसान नहीं रखता मैं। चलिए, अब थोड़ी हंसी ज्यादा आने लगी है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। कमेंट कीजिए जैसे आपके विचार हैं, उच्च हो या तुच्छ हो, जैसे विचार आने दीजिए। टाटा, अलविदा, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गर्मी ज्यादा है, पानी पीते रहिए। बाय बाय।